हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कॉल ऐप कैसे यूज़ करते हैं। गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि कॉल ऐप कैसे यूज़ किया जाता है और इससे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, कॉलर आईडी वगैरह कैसे सेट की जाती है, कैसे रिकॉर्ड की जाती है कॉल रिकॉर्डिंग, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ इस वीडियो में। यानी कि कॉल ऐप के बारे में आप लोग को फुल इन्फॉर्मेशन और फुल डिटेल्स मिलने वाली है इस वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे इस टेक टेक्निकल एप्स के चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग इस जो है एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन की जो लिंक है मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन को जब आप लोग ओपन करेंगे तो इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे शुरुआत में कुछ परमिशन आएंगी, तो वो आप लोगों को परमिशन यहाँ पे इस एप्लीकेशन को दे देनी होगी। अब गाइस, यहाँ पे आप लोग वो मोबाइल नंबर डालेंगे जिस मोबाइल नंबर से आप लोग इस एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। नंबर डालने के बाद सेंड SMS पे आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके इस नंबर पे एक OTP सेंड की जाएगी, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ वेट कर लीजिए। गाइस, यहाँ पे ये OTP आप लोग की ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी। अब यहाँ पे ये आ रहा है नो एड्स, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा रहा है ये और भी इन्फॉर्मेशन वगैरह, नो एड्स वगैरह, कॉलर आईडी, तो आप लोगों को ये मिल रहा है गो प्रीमियम। तो यहाँ पे आप लोग जो है प्रीमियम वर्जन इसका परचेज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो सारी की सारी जो है यहाँ पे फैसिलिटी आप लोगों को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है ओके विद एड्स, तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्री में इसको यूज़ करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को एड्स जो है शो कराए जाएंगे इस एप्लीकेशन में। तो आप लोग एड्स को जो है आप लोग वॉच करते रहिए, तो आप लोग इस एप्लीकेशन में जो है इस एप्लीकेशन को आप लोग फ्री में यूज़ करते रहेंगे। तो मैं ओके विद एड्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मिल रहा है स्टार्ट यूजिंग कॉल ऐप, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब गाइस, यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोग ओके पे जो है क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के सारे जो है कॉन्टैक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले इसको एप्लीकेशन को परमिशन देना होगा। परमिशन देने के बाद आप लोग बैक हो जाइए। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे आपके जो फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे सेव, वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। अब ये आप लोगों को जो मिल रहा है हमारे पास जो है गिफ्ट टाइप का, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। तो ये कॉमरेड बोल रहा है, तो मैं बिगिन पे जो है यहाँ क्लिक करूँगा और देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा और नेक्स्ट करूँगा और इसको अलाउ कर देता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पे भी इसको जब परमिशन देने के लिए बोल रहा है, अलाउ करूँगा और नेक्स्ट करूँगा यहाँ पे और गेट इट नाउ पे मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट करूँगा, ये प्लीज़ वेट जो है बोल रहा है यहाँ पे। तो ये आप लोगों के कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ जाएंगे सारे के सारे और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के कॉन्टैक्ट है वो सेंस हो रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट करूँगा और यहाँ पे आप लोग के सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे। नीचे साइड में आप लोगों को जो है कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, कॉल ऐप और स्पैम स्टोर रिकॉर्ड और आप लोगों के स्लाइड्स, वो आप लोगों को मिल जाते हैं। और ऊपर साइड में आप लोगों को कॉन्टैक्ट सर्च करने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। आप लोग किसी का कॉन्टैक्ट सर्च करना चाहते हैं तो वो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मैंने डाला सोनू, तो हमारे कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ चुके हैं। अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है वी नीड योर परमिशन सर्च नियर बाई प्लेस, तो आप लोग अलाउ पे क्लिक कर दीजिए। आप लोग नियर बाई प्लेस को भी सर्च यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आप लोगों को ये जो है एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है वी विच, यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्पैम जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोगों के, तो गॉट इट पे आप लोग यहाँ क्लिक कर दीजिए। आप लोगों के स्पैम कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ आते रहेंगे। अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को ये टूल्स मिलता है यहाँ पे, तो इसमें आप लोगों को जो कॉन्टैक्ट मिलते हैं जो आप लोगों ने कॉन्टैक्ट किया हुआ आज। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये जो है डायल पैड मिल जाता है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके डायल पैड इसका ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग कोई भी नंबर डायल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है ऊपर साइड में सर्च का भी ऑप्शन। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये आप लोगों को क्लीन करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप लोग जो है क्लीनिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 3 डॉट मिलते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, ऐड फेवरेट, सेलेक्ट कॉन्टैक्ट, बैकअप, ऑप्टिमाइज योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो यहाँ पे आप लोग बैकअप ले सकते हैं इसका और ऑप्टिमाइज कॉन्टैक्ट लिस्ट आप लोग बना सकते हैं। ऐड यहाँ से ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे आप लोग कोई कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड न्यू पर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग कोई भी कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मिलता है यहाँ पे ऐड फेवरेट, आप लोग फेवरेट जो है अपना चाहते हैं कि आप लोग का ये कॉन्टैक्ट फेवरेट है तो वो आप लोग कॉन्टैक्ट फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉन्टैक्ट पे आप लोग कोई कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप लोग को ये वाला जो लोगो मिल रहा है यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे एक बार और ये आप लोगों को मिल रहा है रेफर एंड अर्न। और यहाँ पे आप लोगों का नंबर आ रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग अपना प्रोफाइल जो है फोटो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और लिंक अकाउंट, यहाँ पे कोई अकाउंट लिंक कर सकते हैं।
ऐड अनदर बर्थडे एड्रेस वेबसाइट वो आप लोग यहाँ पे ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे कोई भी आप लोग के प्रोफाइल पे जाता है तो यहाँ पे आप लोग की वेबसाइट और ईमेल आईडी पे जो है इजीली आ सके। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो है फोटो अपलोड करने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग जो है नाम वगैरह चेंज करना चाहें तो वो नाम वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं, और यहाँ से आप लोग कोई फ़ोटो वगैरह यहाँ से गैलरी से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद रेफर एंड अर्न का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप लोग इस एप्लीकेशन को किसी को भी रेफर करके यहाँ से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग को ये मिल रहा है गो प्रीमियम, यहाँ पे आप लोग गो प्रीमियम पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इसका प्रीमियम वर्जन है वो ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शेयर ऐप, इस एप्लीकेशन को शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है, वो व्यू इज माई प्रोफाइल, यहाँ से आप लोग की प्रोफाइल को कोई भी देखता है तो यहाँ पे आप लोग को ये जो है यहाँ से आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एड्स शो कराई जाएगी और आप लोग का ये जो टूल्स है वो आप लोग का जो है अनलॉक हो जाएगा। यहाँ से आप लोग को मिल रहा है बैकअप, बर्थडे, कॉल रिमाइंडर्स और रिटर्न्स, तो आप लोग के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को ये ऑप्शन है सेटिंग, सेटिंग पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जनरल कॉलर आईडी, यहाँ पे आप लोगों को जनरल मिल जाता है, कॉलर आईडी मिल जाता है, रिकॉर्डर, कस्टमाइजेशन, नोटिफिकेशन यहाँ मिल जाते हैं। रिकॉर्डर पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग एग्री करके इसको आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑल रिकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग की मिल जाएगी, और यहाँ पे फेवरेट आप लोग की रहेगी, नो फेवरेट है तो ऑल रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो भी कुछ आप लोग काम करेंगे, यहाँ पे किसी से भी कॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोग की रिकॉर्डिंग होगी। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मैं और दिखाता हूँ इसके बारे में, सेटिंग पे जाता हूँ और यहाँ पे कस्टमाइजेशन नोटिफिकेशंस वो यहाँ पे आप लोग के रहेंगे, तो यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो यहाँ से ऑन ऑफ आप लोग कर सकते हैं, जो नोटिफिकेशन आप लोग ऑन ऑफ करना चाहते हैं वो यहाँ से आप लोग रीड करके आप लोग नोटिफिकेशन को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जनरल मिल जाती है, यहाँ से जनरल में आप लोग कोई भी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, और कॉलर आईडी वगैरह मिल जाती है, कॉलर आईडी की आप लोग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से जो है ये सारा कुछ पढ़ लेना और आप लोग उस हिसाब से जो है कस्टमाइज करके सेट कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन मिल जाता है, यहाँ से आप लोग कस्टमाइजेशन वगैरह आप लोग जो है करना चाहें वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे बैक, तो गाइस यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है कलर, यहाँ पे चेंज कलर थीम, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग जो है थीम का कलर चेंज करना चाहें वो भी यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग के कॉन्टैक्ट आते हैं, और यहाँ पे आप लोग के कॉन्टैक्ट आते हैं तो यहाँ से आप लोग जो ऐसे मान लीजिए ये कॉन्टैक्ट है तो यहाँ से आप लोग कॉल लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करेंगे इस कॉन्टैक्ट को तो यहाँ पे आप लोग का जो है नाम रहेगा, यहाँ पे वो नाम आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोग को ये जो है थ्री डॉट मिलते हैं यहाँ से, तो नो सिंग यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है बैकअप लोकेशन, तो ये आप लोग को मिल जाता है, लोकेशन पर आप लोग क्लिक करके यहाँ पे, और मीटिंग सेलेक्ट सेम इन्वाइट और इन्वाइट और रिमाइंडर ब्लॉक डिलीट, ये आप लोगों को ऑप्शन मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये लोकेशन है वो आप लोग लोकेशन देख सकते हैं यहाँ से, और ये एप्लीकेशन ये जो आप लोग जिसकी लोकेशन देखना चाहते हैं ये उसके फ़ोन में पड़ी होनी चाहिए, और आप लोगों की ये परमिशन उससे जो है उसके द्वारा देनी चाहिए, तब आप लोग लोकेशन वगैरह ट्रैक कर सकते हैं, और ये उसका नंबर वगैरह आ जाएगा। और यहाँ से आप लोगों को ये जो है मिल जाते हैं चैट जो है मैसेज करने का, तो यहाँ से आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग को व्हाट्सअप मिल जाता है, यहाँ से आप लोगों को जो बैक जाएंगे तो यहाँ पे व्हाट्सअप पे जो है सिलेक्ट करके आप लोग इसके व्हाट्सअप पे जा सकते हैं और व्हाट्सअप पे चैट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और रेफर एंड अर्न को आप लोग यहाँ से जो है इन्वाइट कर सकते हैं, और नीचे साइड में आप लोग को सोशल मीडिया के टूल्स भी आप लोगों को ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है गाइस। तो 198 इसको मैं डायल करूँगा सिम्बन से, और यहाँ देख सकते हैं हमारी कॉल कनेक्ट होगी। यहाँ से आप लोगों को स्पीकर मिल जाते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से माइक को म्यूट कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग इसको जो है मतलब रोक सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से कट कर सकते हैं, और यहाँ से आप दूसरी जो कॉल है वो आप लोग यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो है कनेक्ट नहीं हो सकती है, और यहाँ पर आप लोगों को ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप लोग जो है रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ से आप लोग चालू कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग चाहते हैं इसकी वॉइस को रिकॉर्ड करना तो आप लोग यहाँ से इसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो काफ़ी लोग होते हैं जो है यहाँ पे अपनी कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है गाइस, और यहाँ से आप लोग कॉल को कट कर सकते हैं। सो गाइस बस यही थी आज की वीडियो, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप लोग जान चुके होंगे। सो गाइस बस यही थी आज की वीडियो, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग कॉल ऐप के बारे में जान चुके होंगे कि कॉल ऐप कैसे यूज़ करते हैं। गाइस अगर आप लोग को कॉल ऐप को यूज़ करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। सो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस नहीं, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।